हरियाणा की जींद विधानसभा में डॉक्टर किशन मिड्ढा को विधानसभा में डिप्टी स्पीकर बनाया गया है। जिले में 37 साल बाद फिर से डिप्टी स्पीकर का पद आया है। इससे पहले 1987 में तत्कालीन देवीलाल सरकार में जुलाना विधायक कुलबीर सिंह मलिक को विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। डॉक्टर किशन मिड्ढा जींद जिले के ऐसे दूसरे विधायक हैं जिन्हें विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का पद मिला है। 1987 में चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में लोकदल की सरकार बनी थी। तब जुलाना के लोकदल विधायक कुलबीर सिंह मलिक को विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। 15 साल बाद प्रदेश की सत्ता में भागीदारी भी जींद को 15 साल बाद नसीब हो पाई है। जींद विधानसभा क्षेत्र से आखिरी बार प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद 2007 में जींद के तत्कालीन कांग्रेस विधायक मांगेराम गुप्ता को मिला था। वह तत्कालीन भूपेंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री और परिवहन विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे थे। अब 15 साल बाद जींद के भाजपा विधायक डॉक्टर किशन मिड्ढा को विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनाया गया है। विधानसभा डिप्टी स्पीकर को राज्य मंत्री का दर्जा हासिल होता है। लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं डॉक्टर किशन मिड्ढा। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर किशन मिड्ढा जींद से लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं। इससे पहले उनके पिता भी दो बार विधायक रहे हैं। दरअसल साल 2009 और 2014 में डॉक्टर किशन मिड्ढा के पिता डॉक्टर हरिचंद्र मिड्ढा जींद से इनेलो टिकट पर विधायक बने थे। जनवरी 2019 में हुए जींद में उपचुनाव में डॉक्टर किशन मिड्ढा जींद से बीजेपी के टिकट पर विधायक बने थे। अक्टूबर 2019 में हुए आम चुनाव में डॉक्टर किशन मिड्ढा दूसरी बार जींद से भाजपा के ही टिकट पर विधानसभा में पहुंचे थे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में डॉक्टर किशन मिड्ढा कांग्रेस के महावीर गुप्ता को लगभग 15,000 मतों के अंतर से पराजित कर तीसरी बार विधानसभा में पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि भाजपा हाईकमान ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, जींद की जनता उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। रामपत शर्मा ने कहा है कि मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कोटि-कोटि प्रणाम करता हूं कि एक योग्य पात्र को एक बहुत अच्छी जिम्मेदारी सरकार ने सौंपी है। डॉक्टर किशन मिड्ढा को डिप्टी स्पीकर बनाने पर मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाजपा कार्यकर्ता राजेश चिलाना ने कहा है कि आज जो मान और सम्मान पार्टी ने जींद की जनता को दिया है, मैं तहे दिल से पार्टी और हाईकमान का साथ ही साथ सीएम नायब सैनी का धन्यवाद देता हूँ। जींद की जनता की तरफ से प्रदेश सरकार ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, उन सबको तहे दिल से निभाएंगे। ऐसा है, जींद का विकास तो पहले किशन मिड्ढा जी के थ्रू आप देख ही चुके हैं, कहीं पे कोई काम रुका नहीं। लेकिन अब माता रानी ने और बीजेपी ने इतना आशीर्वाद दिया है, उससे भी 100 गुना करने का काम करेंगे, कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा। लेकिन आज जो सम्मान और मान पार्टी ने दिया, इसका तहे दिल से धन्यवाद पूरी जींद की जनता का भी, और जो जींद की जनता ने इतनी भारी वोटों से जितवाया है उसका भी तहे दिल से धन्यवाद। पहले भी किया है, पहले भी जिम्मेवारी थी, अब थोड़ी सी बड़ी जिम्मेवारी मिली है, इसको और बड़ी तरीके से ही निभाएंगे हम सब मिलके, पूरा मिड्ढा परिवार और हम सब मिलके, पूरा जींद मिलके निभाएंगे इसको, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं कोटि-कोटि अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे समय में एक योग्य पात्र को बहुत अच्छी जिम्मेवारी श्रीमान डॉक्टर किशन मिड्ढा को डिप्टी स्पीकर बना करके दी है। मैं नायब सैनी का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नई उम्मीदों की किरण जागी नहीं है, बल्कि ये ज्वलंत मुद्दा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं उसकी हैट्रिक जनता ने आशीर्वाद देकर दी है। नई उनकी जो इच्छाएं थी वो डॉक्टर किशन मिड्ढा के नेतृत्व में जींद में जो काम किए गए, किसी को कल्पना नहीं थी कि भाखड़ा का पानी भी यहाँ आकर के लोगों की प्यास बुझाएगा। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन करके और यहाँ पर जो ला की क्लासेस माननीय किशन मिड्ढा के कार्यकाल में हुआ है, जनता ने उसको अपने सिर माथे बिठा करके अपने आशीर्वाद दिया है। और इसको दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने के लिए किशन लाल मिड्ढा जैसे व्यक्ति की अपेक्षा थी और वो अपनी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।